शिवाजी कुंभार फक्त बॉल बघत राहिले आणि हा षटकार दोन्हीही जुने बॉल इडायत नाही स्वतःकडे ठेवून घ्या कोणाला द्यायचे नाहीये. गुडगे आणि संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. हार्दिक अभिनंदन. तुमचा आता सामना बरोबर 2:30 सुरू होईल. तोपर्यंत तुम्ही गेंदों में 10 रन राइट मोड़ देकर गेंदबाजी करते हुए देखना है. 6 गेंद बैट का भारी किनारा. गेंद सीधा स्लिप की दिशा में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ बहुत ही बढ़िया गेंद यॉर्क लाइन गेंद. थोड़ा झुकाव था बल्लेबाज के अंदर लेकिन सही टाइमिंग नहीं बना पाए. 1 रन का फायदा हुआ. अब आया मजा खेल में. 5 गेंदों में अब चाहिए जीत के लिए 9 रन. क्या बॉल वाइड की क्या जरूरत थी खेलने के लिए. हाँ लेग साइड के बाहर जा रही थी गेंद. 5-9 अगली गेंद. जबरदस्त गेंद क्या बात है. मानना पड़ेगा उस गेंदबाज को जिस अंदाज से वो गेंदबाजी और लाइन पकड़ रहे हैं. अगर इसी अंदाज से गेंदबाजी करेंगे बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर गेंदबाजी देखने को मिल रही है. कांग्रेस की तरफ से एक कैच बहुत ही जबरदस्त लगता था उन्होंने सुजीत का. नौ रन एक चॉट. आसानी के साथ खेलते हैं आज के खिलाड़ी और उसी अंदाज से खेलते हुए नजर आ रहे हैं घोड़केवाड़ी के खिलाड़ी अनिल. बहुत ही जबरदस्त है टाइमिंग. 3 गेंदों में 3 रन की जरूरत. यानी कि 3 गेंदों में अभी तक उन्होंने 7 रन दिए. जीत के लिए 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी. अब 3 गेंदों पर 3 रन की जरूरत है. गौरेश क्या सोच रहे हैं जिस अंदाज से अभी वो गेंद फेंकेंगे अभी हमें समझ में आ जाएगा. गौरेश 3 गेंदों में 3 रन. एक रन पर आसानी के साथ पहुंच गया है और अब जोरदार तालियां होनी चाहिए. 2 रन की जरूरत है. 2 गेंदों पर 2 रन. अगर किसी का कैमरा ऑन कर दीजिए. बहुत ही बढ़िया मैच चल रही है. 2 गेंदों पर 2 रन. पांडू डांट नको. 2 गेंदों पर 2 रन. काफी अच्छी फील्डिंग की सजावट. देखना है 2 गेंदों पर 2 रन की जरूरत है. जो अपने भाई की 2 सिक्स लगातार खेला अपने 14 रन से खेल रहे हैं. 4 गेंदों का खेल खेला है उन्होंने और 14 रन बनाए हैं. वो अनिल स्ट्राइक पर हैं. अब 1 गेंद पर 2 रन. मैं तो चाहूंगा कि अगर बॉल अच्छा रहेगा तो बैट्समैन को चाहिए कि वो सिर्फ 1 रन ले. हाँ बड़ा शॉट मारने में विकेट लगा हुआ है. बॉल को डॉट ना डाले. 1 रन निकालेंगे तो सेफ रहेंगे. अगर दर्शक ये मैच देखती है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए. बहुत ही जबरदस्त मैच चल रहा है. क्या बात है क्या बात है. एक बॉल 2 रन की जरूरत यहाँ पर मैच को जीतने के लिए. घोड़केवाड़ी को अगर रोकने में कामयाब होते हैं तो गोवा टीम आसानी के साथ मैच जीत सकती है. अगर ये मैच सुपर यानी कि टाई हो सकती है होती है तो सुपर ओवर का एक ओवर का मैच होगा. मजा आ रहा है इस मैच को देखकर तमाम दर्शकों को. जबरदस्त खिलाड़ी नजर आ रहे हैं और गोवा के जो खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं जबरदस्त खिलाड़ी हैं. अच्छी फील्डिंग अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली. उसी अंदाज से
गोर्गेवाड़ी के वो बल्लेबाज बल्लेबाजों को भी हमने देखा, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर उनकी हुई है। अब वो मैच आप रुकी हुई है, एक गेंद दो रन, एक गेंद दो रन। फील्डिंग की सजावट लॉन्ग बॉल की दिशा में फील्डर भाई बाउंड्री को मैं बाउंड्री को आजा कर दिया, बाउंड्री के बाहर होना चाहिए। सरका सरका आसुदे आसुदे थोड़ा सा जरा उत्तेजित झाला आप में अमल मान्य है लगता है, लगता है अब देखना है। एक बार दो रन जोरदार तालियां, क्या बात है। जमीन पर बॉल को पटकना था, एक रन देना था। जी घोषणा के लिए आए थे, सर्वांच्या कानावर आए, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने अपने वैयक्तिक 50 रन बनाए हैं और हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैं उनका चंद्रापन बैंक की तरफ से पहले वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत ही जबरदस्त काम जीत लिया है तो मैं वैभव से बात करना चाहता हूँ। शुरुआत में आपने बहुत ही बढ़िया 3 ओवर में 27 रन हो चुके थे, लेकिन जैसे ही विकेट गिरा अमोल का उसके बाद पूरी जिम्मेदारी आपने संभाली, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी आपने की है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप जब मैदान पर ये बड़ा टारगेट तुम्हारे सामने था तो क्या सोचकर आप बल्लेबाजी कर रहे थे? सर्वप्रथम धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। वैभव आपसे मुलाकात करके हमारी